सियासत में महिलाओं का सम्मान मुद्दा बना हुआ है, लेकिन समाज में अभी महिलाओं को उनका हक दिलाने का संघर्ष लंबा है। आज उसी संघर्ष का एक अहम पड़ाव सामने आ रहा है। आज निकिता के दोषियों को सजा मिल सकती है। निकिता के हत्यारों को आज मिलेगी सजा। फरीदाबाद की बेटी को इंसाफ मिलने वाला है। सुबह करीब 11 बजे इस मामले में फरीदाबाद कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। निकिता के परिवार को फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं, लेकिन हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा और उम्मीद भी है हमें पूरी कि न्यायालय जरूर इन लोगों को फांसी पे लटकाएगी। अदालत के फैसले के बाद निकिता तोमर के परिवार ने संतुष्टि जताई और कहा कि पूरा इंसाफ तो तब मिलेगा जब दोषियों को फांसी पर लटकाया जाए। संतुष्ट तो हम जब होंगे जब इन दरिंदों को फांसी की सजा मिलेगी। निकिता की उम्र 20 साल की थी। 26 अक्टूबर 2020 का दिन था। निकिता बीकॉम फाइनल ईयर की परीक्षा देकर घर लौट रही थी, लेकिन तभी दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी। उम्मीद है कि कोर्ट अपने फैसले से मिसाल पेश करेगा, जिसके बाद कोई भी बदमाश किसी का खून करने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचे। न पाबंदी हो न कोई हद हो, तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।